बेगूसराय में किन्नरों का भारी हंगामा देखने को मिला है। इस घटना में किन्नरों ने एक मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जमकर धुनाई कर दी। किन्नरों के द्वारा युवक को लपड़ थप्पड़, लात, जूते और झाड़ू से सरेआम पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। खासकर किन्नरों ने पुलिस के सामने भी युवक को नहीं बख्शा और पुलिस गिरफ्त में भी युवक की सरेआम झाड़ू और लपड़ थप्पड़ पिटाई करते हुए देखे गए। भारी हंगामे के बीच पुलिस युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। यह पूरा मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र के मिलन चौक की है। वहीं इस घटना में मौके पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस मामले में एक किन्नर का आरोप है कि आरोपी युवक उसका मकान मालिक है। किन्नरों के द्वारा जब बधाई मांग कर अपने किराए के मकान में लौटी तो उसके रूम का ताला टूटा हुआ था। इस दौरान जब वह रूम में गई तो रूम में उसका मकान मालिक एक युवती के साथ नंग धड़ंग अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसका विरोध करने पर उसका मकान मालिक आग बबूला हो गया। इसी बीच दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी युवक मारपीट और चाकू से जानलेवा हमला करने पर उतारू हो गया, जिसके बाद इसकी सूचना उसके बाद अपने साथ दूसरे किन्नरों को दी। तभी सभी किन्नर मौके पर पहुंचे और आरोपी मकान मालिक को पहले जमकर धुनाई की, उसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित किन्नर ने आरोप लगाया कि इस दौरान युवक उसके रूम में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। आरोपी के द्वारा उसके गले में पहना हुआ दो भर का चेन भी युवक द्वारा तोड़ दिया गया और घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है। फिलहाल लोहिया नगर थाने की पुलिस आरोपी युवक को अपने कब्जे में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। इस घटना को लेकर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अयो तू बड़ी सिकड़ियों ने के तू बड़ी का बड़ी सोना का चैन मेरा तोड़ लिया चाकू देखा ना चाकू देखा ना चाकू देखा ना चाकू थे बधाई में गए थे, हम बधाई से आए अपने रूम में सीधे ऊपर चले गए, मेरा गेट टूटा हुआ था, अंदर में देखे तो रूम मालिक बेटा नंगा होके और एक लड़की के साथ दोनों भी नंगा था। जब हम बोले मेरा पूरा शीशा तोड़ दिया गेट का, जब हम बोले हम पे मारपीट करने लगा, सीरी पे मेरा चेन खींच लिया और मेरा सुनक जितिया था वो हम लोग खोल के रख दिए मेरा चेन खींच के, और यहाँ पे दो लोग बोला उनसे भी वो मारपीट करने लगा और चक्कू लेके पूरा दौड़ते दौड़ते वहाँ तक भाग गया। हम लोग पीछे से उसको पकड़ के लाए, तब प्रशासन को बुलाए, तब प्रशासन उन्हें पकड़ के ले गया। कितने देर बाद पुलिस आई थी वही आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट के बाद आता, मेरा चेन तोड़ लिया, ना चेन दिया है और चक्कू ये तो रखा था, वो पूरा पब्लिक से पूछ सकते हैं आप। लिया है प्रशासन, हम लोग की हेल्प करता है प्रशासन, हम लोग को मदद करता है। हम वही मेरे बेगूसराय के प्रशासन से यही करते हैं कि उन लोग अच्छे रहे और हम लोग को सपोर्ट करें, हम लोग न्याय दे और मेरा चेन दिलवा दे। आप लोग के साथ क्या मामला हुआ था जो आपने यहाँ पे इतना विवाद किया? हम मेरे साथ मारपीट करने लगा, पूरा लोग देख रहा था, पूरा ही कुकर उकर निकाल लिया मारने के लिए, मारपीट कर ला, तब हम अपना गुरु को बुलाए, हम नहीं समझ पाए, हम अपना गुरु लोग को बुलाए। क्या वो दोनों क्या कर रहे? बेनंगा होके गलत काम कर रहे थे। ये घटना आधा घंटा पहले की बात है। वो रूम मालिक का बेटा था, हम ऊपर आए दोनों के बेकपड़े में देखे एक वस्त्र नहीं था देह में, तो हम नीचे वाले भैया को बुला के ले गए, उसको दिखा दिए और बोले तुमको जो करना था तुम अपना रूम में करता, अपना रूम का ताला तोड़ क्या करता, मेरे रूम का गेट तोड़ कर क्यों ये सब कर रहा था, उसी पे मारपीट करना चालू कर दिया और मेरा सीढ़ी पे भागने के चक्कर में मेरा चेन तोड़ दिया और गेट खोल के देखिए गैस में आग लगा रहा था पूरा रूम में, पूरा पब्लिक से पूछिए, अगर मेरा चेन नहीं देगा हम ये बात को और आगे लेके चलेंगे। ना हम लोग के साथ कुछ नहीं किया, वही कि हम लोग को मारने पीटने लगा और बोला कि तोरा 100 आए तो 200 आए तो हम तोरा देख लेबो कितने आए तो, तब हम अपना गुरु को बुलाए। अर्जुन महतो के घर के गांधी चौक के पास ये घटना, गांधी चौक के पास है, मेरा ये निवेदन है कि मेरा वो चेन दे दे नहीं तो हम लोग आगे और बढ़ेंगे। और जो आदमी बोला है वो आदमी की भी मारपीट करना चालू कर दिया, एक दो लोग समझाया कि ऐसे नहीं करो, उन लोग को भी लड़ने के लिए चालू कर दिया और बोला कि लोग का सपोर्ट कौन करता है, पूरा घर मोचिस बाहर आता तो 5 आदमी उसको घर से खींच के बाहर किया।
ऐसे घटना को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? ऐसे घटना को लेकर हम लोग करें कि अपने जितना पब्लिक लोग हैं सब हम लोग को सहायता करें और हमारा चेन दे दे, नहीं चेन देगा तो और आगे बढ़ाएंगे बात को। पुलिस लोग से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि जो इस घटना हुआ है, इस घटना से हमारा जो चेन लिया है चेन दिलवा दीजिए, नहीं तो और आगे घटना बढ़ जाए। हम लोग मांग करते हैं ही जो मेरा चेला को चेन खींच लिया, हम लोग आए सब चेला नाते मिल करके उसको पकड़ करके प्रशासन को हाथ दिए और मेरा चेला को चेन दिया जाए और वो अपना ताला मार करके देखिए चला गया है। अभी देख सकते हैं, पूरा समाज देख सकते हैं, वो अपना ताला मार करके चला गया है रूम में, इसलिए हम लोग आए।